Hey guys, welcome to Grade Upgrade. So बच्चों, last video में आपने देखा था exercise number 1.1 का question number 1. बच्चों, इस video में हम लोग question number 2 करेंगे बच्चों. ठीक है, total 4 video होने वाला है. ठीक है, question number 1, question number 2, question number 3. ये question number 2 का video है. अगला video question number 3 का रहेगा. उसके बाद जो जितने बच्चे ना 4, 5, 6, 7, 8 वो सब last में cover हो जाएगा. ठीक है बच्चों, भी question number 2 में कितने समय, 18 समय साथ साथ करोगे, मजा आ जाएगा. इतने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब. हाँ, सब में क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा. क्या लगेगा, चेन रूल. तो हाँ ठीक है, अपना चालू है, ऑडियो भी चालू है. पता चला पूरा वीडियो शूट हो जाता है, ऑडियो नहीं होता कभी कभी. ठीक है, इसलिए भाई अपना एंजाइटी के लिए अपने को चेक करना पड़ता है. बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. वाह नसीब, देखो मार्कर खराब है. ठीक है, असली बार का अच्छा मार्कर लेते हैं. बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y is equals to cos x square plus a square. बच्चों मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आपको फॉर्मूला ना बैठ के रटोगे तो नहीं होगा, सम सॉल्व करते करते रटो. चलो बच्चों, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पूरा लिखने का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब मैं नहीं लिखता हूं बिकॉज मुझे एग्जाम नहीं लिखना है, एग्जाम आपको लिखना है, बट मैं बताता तो हूं ना, पूरा लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो बच्चों क्या आएगा, dy by dx is equals to d by dx of cos x square plus a square. बेटा cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन. फिर बट सर अंदर x नहीं है, अंदर क्या है, fx है, मतलब अदर देन x है. तो चेन रूल क्या बोलता है, जो अंदर है उसको वापस से डेरिवेटिव करो. तो बच्चों ये क्या आएगा, माइनस साइन x square plus a square इंटू x square का डेरिवेटिव 2x और a square का क्या आ जाएगा, जीरो. तो आंसर आएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स इट. पहला हो गया, बहुत सिंपल है बच्चों. अब इसके बाद ध्यान देते हैं दूसरा सम. दूसरा सम क्या है, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x + 2 + 5. अब बेटा ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन है, पहला तो रूट, रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट, फिर e का डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है बच्चों, सेम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, भूलना नहीं है बच्चों. dy by dx is equals to d by dx of under root of e raise to 3x + 2 + 5 + 5, ऊपर e raise to के साथ नहीं है, नीचे है, ये ध्यान देना बच्चों. रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 root e raise to 3x + 2 + 5, बट सर अंदर रूट x नहीं है, रूट f x है. तो क्या आएगा, d by dx of e raise to 3x + 2 + 5. राइट बच्चों, ये आएगा 1/2 root e raise to 3x + 2 + 5 into बच्चों e raise to x का डेरिवेटिव क्या होगा, e raise to x, बट बच्चों ये अदर देन, और हाँ 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बट बच्चों ये अदर देन x है ना, तो इसलिए आपको 3x + 2 वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा. और बच्चों प्लस 5 बिकॉज डेरिवेटिव जाएगा तो दोनों होगा ना, कद्दू कटेगा समय बटेगा, सही कि नहीं, तो डेरिवेटिव दोनों में जाएगा. तो e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x, 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये लास्ट स्टेप बचा है 1/2 e raise to 3x + 2 + 5 e raise to 3x + 2. बच्चों 3x + 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3. राइट, अब इसको आप लोग चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 3 e raise to 3x + 2 / 2 अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x + 2 + 5. अगर ये लास्ट वाला आपको नहीं दिख रहा है, मैंने सेम टू सेम कॉपी किया बच्चों. ये होगा अपना फर्स्ट एंड सेकंड सम. अभी हम लोग करते हैं सम नंबर 3. बच्चों सम नंबर 3 आप लोग देखो, लिखते जाओ साथ साथ. सम नंबर 3 क्या है आपका, सम नंबर 3 है वाई इज इक्वल्स टू लॉग 10x/2. वाई इज इक्वल्स टू लॉग 10x/2. बेटा पहले तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है. log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सर log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/10x. समझा मैं स्टेप क्या फॉलो कर रहा हूं, सर मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं y is equals to, फिर मैं डिफरेंशिएटिंग लिख रहा हूं, फिर मैं d by dx लिख रहा हूं, फिर मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी करूंगा, बट आपको दो समय स्टेप समझा दिया ना, यू हैव टू फॉलो दैट स्टेप. समझ आ रहा बच्चों, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान देना, आधा आधा मार्क्स काट लेंगे उन लोग. log x का डेरिवेटिव 1/x, बट सर x नहीं है अंदर, fx है ना, तो चेन रूल क्या बोलता है, वापस से डेरिवेटिव करो d by dx of tan x by 2. बच्चों log x 1/x, ठीक है सर, 1/x as it is. सर tan x का डेरिवेटिव क्या होगा,
सिक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, बट सर अंदर एक्स नहीं है ना, अंदर तो एक्स बाय टू है, समझा कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। सर ये सिक्स स्क्वायर एक्स बाय टू एज इट इज, टेन एक्स बाय टू एज इट इज। बच्चों एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय टू। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके वन बाय टू पहले, फिर यहाँ पे सिक्स स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टेन एक्स बाय टू भी लिख सकते हो। बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर फोर समझे, सिर्फ टाइप कर मतलब सिर्फ लिखने में ही टाइम जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेन, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेन रूट एक्स, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ टेन रूट एक्स, बच्चों ध्यान दो पहले आपका रूट है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, फिर d बाई डी एक्स भी लिखना है। बच्चों रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन टू रूट टेन रूट एक्स। फिर बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, समझ में आ रहा है। तो अभी यहां पे ध्यान दो बच्चों, ये वन अपॉन टू रूट टेन रूट एक्स। बच्चों टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, सिक्स स्क्वायर रूट एक्स, राइट। बट सर टेन एक्स नहीं है वो, टेन रूट एक्स है। अरे मेरा भाई, रूट एक्स को वापस से डेरिवेटिव करो, ठीक है बच्चों। तो सर सिक्स स्क्वायर रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, टू रूट टेन रूट एक्स ऐसे ही रहेगा। फिर प्रॉपर लिखो, देखो मैं बोर हो जाता हूँ लिखते लिखते, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, वन अपॉइंट टू रूट एक्स। तो बच्चों क्या आएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, टू टू जा फोर रूट एक्स इंटू रूट टेन रूट एक्स। अब तुम लोग बोलोगे सर एक काम करते ना, ये रूट एक्स ये रूट एक्स का मल्टीप्लाई करता है, अरे पागल, ये रूट एक्स एंगल है और ये रूट एक्स कैसे एंगल है, ये एंगल थोड़ी है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये रूट एक्स और ये रूट एक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों, ये अपना फोर्थ सम हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर फिफ्थ, पूरा अल्ट्रा सम करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर टू पूरा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव क्वेश्चन क्या है बच्चों, y इज इक्वल्स टू कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब। तो अभी यहाँ ध्यान दो बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कॉट लॉग एक्स द होल क्यूब। सर ये एक्स क्यूब भी है, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, सर हम लोग ना साइन स्क्वायर एक्स अगर है समझो लिख से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। सर हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है, तो उसको हम लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, सिंपल चीज याद रखना बच्चों। तो सर बोलने का मतलब क्या है, सर आपने ये होल क्यूब आप पावर में ले सकते हो, मतलब पूरा कॉमन ले सकते हो, तो ये एक्स रेज़ टू एन हो गया। एक सिंपल मॉडिफिकेशन और करो, क्या कॉट लॉग एक्स, सर ये थ्री आगे आ जाएगा, समझा, ये थ्री आपका आगे आ जाएगा, ओके। तो अभी यहां पे ध्यान देना, और जब ये लिखोगे ना, तो आप ब्रैकेट में लॉग बी रेस टू है इज इक्वल्स टू ए लॉग बी, ये रीजन भी लिखो, समझ में आ रहा है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप, ये एमएसटी सीईटी का एमसीक्यू नहीं है, जेडब्ल्यू का एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये आपका वाई हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से देखना, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेटा एक्स रेस टू एन क्या आएगा, एन कॉट थ्री लॉग एक्स रेस टू एन माइनस वन, थ्री माइनस वन क्या आएगा टू आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थ्री लॉग एक्स, राइट बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थ्री लॉग एक्स। अब ध्यान देना बेटा, थ्री कॉट थ्री लॉग एक्स द होल स्क्वायर। बच्चों कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, बट सर अंदर कॉट एक्स थोड़ी है, अंदर तो क्या है थ्री लॉग एक्स है ना, तो बच्चों उसको वापस से डेरिवेटिव करो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहां पे थ्री कॉट थ्री लॉग एक्स द होल स्क्वायर, फिर बच्चों ये माइनस है ना, मैं मांगता तो यहां पे लिख दो माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कोसेक्स स्क्वायर थ्री लॉग एक्स, बेटा थ्री ऐसे ही आ जाएगा बाहर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाय एक्स, ठीक है। ये देखो ये तो एंगल है, ये कुछ नहीं होगा, ये थ्री और ये थ्री क्या हो जाएगा, नाइन, तो माइनस नाइन, ठीक है बच्चों। कॉट थ्री लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू कोसेक्स स्क्वायर थ्री लॉग एक्स द होल अपॉन एक्स, ये आपका आंसर है, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। कॉट स्क्वायर कोसेक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद भाइयों हम लोग कौन सा सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स तो बहुत सिंपल है बच्चों, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स मतलब सर समझा नहीं, समझाता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है,
सिक्स है, y इज इक्वल्स टू फाइव रेस टू साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस थ्री भी पावर में ही है बच्चों, तो आपका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखने का, तो dy वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, a रेस टू x, a रेस टू x क्या आएगा, a रेस टू x इंटू log a, बट सर ये x नहीं है, ये क्या है, fx है ना, तो उसको वापस से डेरिवेटिव करो, ठीक है बच्चों, फाइव रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, फिर बच्चों डी बाई डी एक्स अंदर लेके जाओ, साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, सर पहले तो इसको हम लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, मैंने यहां पे बताया था, और साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस थ्री, अब आपको नहीं समझा यहाँ पे थ्री नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, वैसे जिसको नहीं समझा मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सर आपने इतना फटाफट कर दिया, जबकि आप ट्वेल्थ के बच्चे आपको आना चाहिए, बट अगर नहीं समझ रहे तो मैं बता रहा हूँ, ये समझ गया, ये समझा, अब इसके बाद बच्चों ध्यान से, फाइव रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, बेटा ध्यान देना साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा, टू साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, सर थ्री का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, अब इसके बाद हाँ एक चीज और ना, क्या सर लॉग फाइव किधर गया, लॉग फाइव भूल गया, ये लॉग फाइव भूलना नहीं है बच्चों, पाप मिलेगा, फाइव रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव, बच्चों टू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स प्लस जीरो, ठीक है, नाउ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आएगा, साइन टू टीटा, तो हमेशा याद रखो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन टू टीटा और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस टू टीटा, समझ में आ रहा है, ये आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये फॉर्मूला भी याद रख लिया तो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सर ये साइन टू टीटा है, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो, साइन टू टीटा इज इक्वल टू टू साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, ठीक है, तो साइन टू एक्स इंटू लॉग फाइव इंटू फाइव रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, या आई होप आप लोग को समझ गया होगा, ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज करने के बाद क्या क्या है, ये कहाँ है पे, नीचे गिरा है, ठीक है, इतना पढ़ाता हूँ खुद भूल जाता हूँ डस्टर कहाँ पे, अब बच्चों ये सिक्स सम हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर सेवन, ठीक है बच्चों, ये भी इरेज कर रहा हूँ, जैसे मैं वहां जाऊँ इधर स्क्रीनशॉट लो, उधर आओ इधर स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं रुकने लगा तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर सिक्स हो गया, सम नंबर सेवन, सेवन क्या है बच्चों, कोसेक रूट कोसेक रूट कोसेक्स, ठीक है, सेवन सम है बच्चों, अब सर पहली बात तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है कंपलसरी, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, कोसेक इंटू कॉस है ना, एक बार चेक कर लू, कोसेक इंटू कॉस, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये समझा आपको, बट सर अंदर क्या है, अंदर है, अंदर क्या है बच्चों, अंदर है रूट कॉस एक्स, तो रूट कॉस एक्स को वापस डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स, ठीक है, फिर माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, फिर बच्चों वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, समझ में आ रहा है, वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर बच्चों कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, क्या आएगा, माइनस साइन, बच्चों अगले स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा सर, कॉसेक रूट कॉस एक्स, फिर कॉट रूट कॉस एक्स, फिर साइन एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स, आई होप आपको ये समझ गया, क्या कॉसेक रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, ये सम भी हो गया, स्टेप ध्यान देते रहना, अगर कहीं पे मैं कुछ सिली मिस्टेक करूं तो प्लीज थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि मेरे से थोड़ा हो जाता है, बट मैं अवॉइड करता हूं नहीं करने का, बच्चों अभी एट सम, एट सम क्या है, y इज इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस फाइव, ठीक है बच्चों, तो अभी यहां पे ध्यान देना, कॉस लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस फाइव, बेटा सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है बच्चों, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा,
log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5। log x का 1 अपॉन x होता है ना, ठीक है, बट सर अंदर x नहीं है, अंदर क्या है, cos x क्यूब माइनस 5। फिर बच्चों 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स। सर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस साइन एक्स होगा, बट सर अंदर x नहीं है, अंदर क्या है, अंदर क्या है बच्चों, अंदर है मैं इसको डी बाई डी एक्स। बच्चों अगर आपको नहीं दिख रहा है, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो मैंने x क्यूब माइनस 5 लिखा है, वैसे लिख दिख रहा होगा। फिर बच्चों माइनस साइन अपॉन कॉस क्या आएगा बच्चा, टेन एक्स क्यूब माइनस 5, सही कि नहीं सर, कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, तो साइन अपॉन कॉस माइनस टेन आ जाएगा। फिर बच्चों एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x, और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3x टेन एक्स क्यूब माइनस 5। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर नहीं समझा है तो प्लीज बोलो। अभी क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू, सारे क्वेश्चन ही सिंपल है, e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है, e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया था, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 साइन x, सॉरी साइन 2x, कॉस स्क्वायर x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग डीवाई बाई डी एक्स, बेटा ई रेस टू एक्स क्या आएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 बाहर बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करो, बट करना, बट मैंने आपको बताया ना साइन स्क्वायर एक्स क्या आता है, साइन टू एक्स, डायरेक्टली मत लिखना, मार्क्स जाएगा, एक दो स्टेप आपका करना है, ठीक है। माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, माइनस 2 ओए माइनस 3 माइनस साइन टू एक्स, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कैसे, देखो 3 ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का मैं डेरिवेटिव आपको यहाँ पे वापस से करके बताता हूँ। तो बच्चों ये आएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा बच्चों, 2 साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया। अब इसके बाद ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 साइन 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा, 5 साइन 2 थीटा, समझ में आ रहा है, 5 साइन 2 थीटा। तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 साइन 2 थीटा इंटू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद आगे ध्यान देना, आगे क्या है आपका सम नंबर, ये 9 हो गया, सम नंबर 10 बच्चों, सम नंबर 10 क्या है आपका, y इज इक्वल्स टू, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है बच्चों। सर सेम सेम, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू cos log x स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बिकॉज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स द होल स्क्वायर। बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन क्या था बच्चों, एक्स एन 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 एक्स सॉरी एक्स रेस टू एन क्या आता है, एन एक्स, ठीक है, इंटू रेस टू एन माइनस वन, बट सर टू माइनस वन तो वन होगा, तो टू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, बट सर अंदर ये है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एन, देखो ना कितना मजेदार संख्या है, पहले एक्स रेस टू एन, फिर कॉस, फिर लॉग, फिर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, यही तो चेन रूल का ब्यूटी है, समझ में आ रहा, सर कितना बोरिंग है बेटा, कितना एंटरटेनिंग है ये,
समझ में आ रहा है, मजा आता है इसके लिए। तो जो उनको मार्क्स मैक्स आता है उनका क्रिटिकल थिंकिंग मस्त रहता है, ठीक है। तो ये बच्चों टू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इंटू, बच्चों कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये समझा। अब इसके बाद सर कॉस हो गया ना, अभी लॉग का डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, फिर बच्चों टू साइन टीटा इंटू कॉस टीटा क्या होता है, माइनस साइन टू टीटा, टीटा क्या है बच्चों, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। अरे सर मैंने तो आपको पहले ही बोला था, क्या बोला था कि अगर कॉस स्क्वायर टीटा रहेगा उसका डेरिवेटिव माइनस साइन टू टीटा होगा, आया ना माइनस साइन टू टीटा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन क्या है बच्चों, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक डेरिवेटिव करो, एक्स आ गया ना एक्स स्क्वायर एक्स आ गया ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन टू टाइम्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, टू एक्स, बिकॉज सेवन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका सम नंबर टेन। इसके बाद करते हैं सम नंबर इलेवन, ठीक है। सम नंबर इलेवन क्या है बच्चों, रीड करो, सम नंबर इलेवन है टेन कॉस साइन, और दस पंद्रह डाल देते सही कि नहीं, टेन कॉस साइन सिंपल है, ध्यान देना, वाई इज इक्वल्स टू टेन फिर कॉस फिर साइन, सर एक ब्रैकेट क्लोज दूसरा ब्रैकेट, बहुत सिंपल है, टेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं सीधा डी वाई बाई एक्स लिख रहा हूँ बच्चों, एक स्टेप सीधा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आएगा, कॉस कॉस साइन एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो अभी आपका ये आंसर आएगा सेक स्क्वायर कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स। अब इसके बाद सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस माइनस आगे ले लो साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स, दैट्स इट, हो गया ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद सम नंबर 11 हो गया बच्चों, पेशेंस बनाए रखना है, 18 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग सम नंबर 12 पे आ चुके हैं बच्चों। सम नंबर 12 क्या है, वाई इज इक्वल्स टू सेक टेन एक्स रेस टू फोर प्लस फोर, सही कि नहीं, सेक टेन एक्स रेस टू फोर प्लस फोर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान देना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये सब लिखना है आप लोग को, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब टेन ऑफ टेन एक्स रेस टू फोर प्लस फोर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बट सर अंदर एक्स नहीं है, अंदर एफ एक्स है, तो करना वापस डेरिवेटिव, कौन मना कर रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स रेस टू फोर प्लस फोर, बेटा अभी यहां पे ध्यान दो, ये ऐसा ही रहेगा सेक टेन एक्स रेस टू फोर प्लस फोर इंटू टेन टेन एक्स रेस टू फोर प्लस फोर, बच्चों टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स रेस टू फोर प्लस फोर, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू फोर प्लस फोर, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पे सर सेक ऐसे ही रहेगा, ये सेक इंटू सेक मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे टीटा अलग है, यहाँ पे टीटा अलग है, ठीक है। तो ये पूरा सेम टू सेम नीचे लिखना है, समझ में आ रहा है। और एक्स रेस टू फोर का डेरिवेटिव क्या होगा, फोर एक्स क्यूब, और फोर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका सम। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू, ठीक है, sec tan हो गया है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13th वाला, y इज इक्वल्स टू e रेस टू log, फिर ब्रैकेट में है log x का होल स्क्वायर
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना वर्ड प्ले किया है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर किया है फिर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थक जाते हैं, पानी पीना जरूरी है, ध्यान दो। ठीक है, अब बच्चों मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताया था, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए, आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा, बोलना नहीं है आपको, लिखना है ये प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए आपका एक्स आएगा, लिखना नहीं मतलब बोलना नहीं आपको, लिखना है। ठीक है, ये यहां पे लिख दो, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए, आंसर क्या आएगा, एक्स। सो वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ई, क्या आएगा, लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब बच्चों y इज इक्वल्स टू log x द होल स्क्वायर माइनस टू log x, ऐसा लिख सकता हूं। अब dy वाई बाय डी एक्स, सर x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आएगा, बिकॉज अगर वेरिएबल का स्क्वायर है तभी वो आगे आएगा, और ब्रैकेट में यहां पे ये भी लिख सकते हो क्या, log b रेस टू a इज इक्वल्स टू a log b, आपको अगर कोई ट्रिगो का फॉर्मूला यूज किया या कोई log का फॉर्मूला यूज किया तो आपको लिखना है ये ब्रैकेट में, समझ में आ रहा है बच्चों। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लू, रिकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, तो ये आपका x रेस टू n क्या आएगा, टू log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ टू log x क्या आएगा, 2 अपॉन x, समझा बच्चों, डेरिवेटिव करना है ना। अब इसके बाद 2 log x, बच्चों x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 by x minus 2 by x, अगर आपको चाहिए 2 by x और 2 by x कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, log x minus 1, that's it। ठीक है बच्चों, ये आपका सम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सम, सम नंबर 14, बच्चों मंजिल के नजदीक आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, वीडियो का कम टाइम बचा है। सम नंबर 14, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट साइन रूट एक्स, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट साइन रूट एक्स, बच्चा डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स, साइन एक्स क्या आएगा बच्चों, कॉस रूट साइन रूट एक्स, समझ में आ रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता ना, बट सर डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन रूट एक्स, समझ में आ रहा है सर, अंदर जो उसको भी तो डेरिवेटिव लेना है, फिर क्या आएगा, कॉस रूट साइन रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, मैं सीधा इसके नीचे लिख रहा हूं, वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ, सर रूट हो गया ना, अभी साइन रूट एक्स, समझ में आ रहा है, तो कॉस रूट साइन रूट एक्स अपॉन टू साइन रूट एक्स, फिर बच्चों साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस रूट एक्स, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, एक गड़बड़ किया मैंने, मुझे दिख जाता है, ठीक है, रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट होगा, फिर साइन का हो जाएगा कॉस, तो यहां पे भी तो रूट लिखना मेरा भाई, अगले स्टेप में गड़बड़ हुआ। ठीक है अच्छा, तो ये कॉस कॉस, बट दोनों का थीटा अलग है, तो ये कॉस रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, और यहां पे टू साइन रूट एक्स, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये एंगल है, अगर आपको चाहिए ये टू इंटू टू, क्या लिख दो बच्चों, फोर लिख दो, ये हो गया आपका, अभी सम नंबर 14 हो गया, चार क्वेश्चन और, सम नंबर 15 बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, सम नंबर 15 क्या है बच्चों, सम नंबर 15 है y इज इक्वल्स टू log sec e रेस टू x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये यहां पे है और फिर ये यहां पे, ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे ध्यान दो, log sec e रेस टू x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब बच्चों ये इसका स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर नहीं, अगर यहां पे स्क्वायर होता तो आगे आ जाता, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर नहीं, ये e रेस टू x स्क्वायर है, तो पहले log का डेरिवेटिव, फिर sec का डेरिवेटिव, फिर e का डेरिवेटिव, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx क्या आएगा बच्चों, log x क्या आएगा, 1 upon x, 1 upon x मतलब sec e रेस टू x स्क्वायर into dy by dx ऑफ x नहीं है, fx है, 100 बार बोलूं क्या, dy by dx ऑफ, तुम लोग बोलोगे हाँ मेरा पोपट हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर, बेटा वन अपॉन सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर, बच्चों सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बट सर अंदर ई रेस टू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स थोड़ी है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर को वापस से डेरिवेटिव करो, ये दोनों भाई गए, ठीक है, टेन ई रेस टू एक्स स्क्वायर, बच्चों ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सर टेन ई रेस टू एक्स स्क्वायर, फिर ई रेस टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, थ्री मोर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, y इज इक्वल्स टू log log x टू द बेस e स्क्वायर। अब यहां पे चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस मतलब क्या होता है बच्चों, अगर कहीं पे log b टू द बेस a है, उसको आप लोग log b अपॉन log a लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, थोड़ा हैंडराइटिंग एडजस्ट कर लो, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, मार्कर में थोड़ा सा खराब आ जाता है, डिजिटल बोर्ड रहेगा एकदम झगामगा आएगा, झगामगा मला भगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ही 100K पहुंच गया चैनल का सब्सक्राइबर, डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। समझ में आ रहा है, हमको भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, मतलब 1.5-2 लाख डिजिटल बोर्ड में डाल दिया, सब चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा गए। ठीक है, तो थोड़ा हम मेहनत कर रहे, थोड़ा आप मेहनत करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। देखो बच्चों, तो अगर लॉग बी रेस टू है क्या आएगा, लॉग बी अपॉन लॉग ए। सर यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, होगा ना लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई स्क्वायर। बोलने का मतलब क्या है, सर लॉग बी अपॉन लॉग ए, मतलब सर लॉग बी अपॉन लॉग ए। अब बच्चों यहां पे सर लॉग ऑफ लॉग एक्स, सर ये टू आगे आ जाएगा, टू लॉग ई, समझ में आ रहा है। अब यहां पे इसको पहले पार्टीशन कर दो, पार्टीशन ऑफ बंगाल, समझ में आ रहा है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ई क्या होता है, वन, तो आंसर कितना आ गया, टू इंटू वन विच इज टू, तो आपके ये वाई आ गया। बच्चों ब्रैकेट में आपको ना पहले तो ये रूल लिखना है, आपने यहां पे किया ना, चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लिखना है, फिर आपने लॉग ई को वन लिखा, वो लिखना है आपको। समझ में आ रहा है, मतलब आपने, और हाँ आपने लॉग बी रेस टू ए वाला भी प्रॉपर्टी यूज किया, तो जो भी प्रॉपर्टी यूज करो लॉग का, सब आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है बच्चों, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स, वन बाय टू बाहर। बच्चों लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बेटा वन अपॉन टू लॉग एक्स, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by x, सिंपल हो गया, 1 upon 2 log x into 1 by x। बेटा ये था सम नंबर 16, अभी करेंगे सम नंबर 17, दो क्वेश्चन और है। ठीक है, पेशेंस बनाए रखो, पूरा वन टेक वीडियो है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो बैटरी खत्म हो गया था बीच में, इसके लिए मैं तो पूरा 18 सम वन टेक में किया हूं। y is equals to log 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 x, समझ में आ रहा है, द होल स्क्वायर करना भाई, तो कितना भी दे, अभी चेन रूल में अपन मास्टर हो गए बच्चों। x रेस टू n, x रेस टू n क्या आएगा, n log 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 x, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां पे मांगता है तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। समझ आ रहा है बच्चों, अब इसके बाद ये log का, ये log का, ये log का, ठीक है, सो टू, हाँ सॉरी सॉरी, डेरिवेटिव करना है ना, डेरिवेटिव करना है बच्चों, सो टू ऐसी रहेगा, log log x क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x, फिर सर ये x नहीं है ना, ये fx है, तो जो अंदर वाला भाई है उसको वापस से डेरिवेटिव करो। ठीक है, सो 2 अपॉन log of log x इज इक्वल्स टू log of log x क्या आएगा, 1 अपॉन log x, बट सर अंदर x नहीं है, log x है, तो वापस से डेरिवेटिव करो, तो क्या आंसर आएगा, 2 अपॉन log of log x इंटू log x इंटू 1 बाय x। बोलने का मतलब क्या है, सर पहले x रेस टू n, 2x आ गया, फिर ये log of x तो क्या आएगा, 1 upon x, फिर ये log of x क्या आएगा, 1 upon x, फिर log x का तो 1 upon x, ये आपका आंसर आ गया। तो अपना आंसर कितना आएगा, 2 अपॉन log of log x इंटू 1 बाय x। बच्चों पेशेंस बनाए रखो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो भूमि में ना डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में ही खतरनाक हूँ, वैसा ही। ठीक है, डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में ही खतरनाक हूँ, वैसा वाला अपना क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनो, अब आप लोग ना इनमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आंसर बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या आ जाएगा, बेटा माइनस कॉमन ले लिया, सर ये किसका फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा x स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, dy / dx is equals to माइनस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन 2 थीटा। समझ में आ रहा है, बट सर अंदर क्या है, 2 थीटा है ना,
तो इसको देखो अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर डेटा माइनस कॉस स्क्वायर डेटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस टू डेटा हो जाएगा, कॉस का डेटा क्या हो जाएगा माइनस साइन टू डेटा हो जाएगा। बट बच्चों अंदर क्या है, 2x² है ना, अंदर x थोड़ी है तो उसको वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आपका ये माइनस माइनस प्लस साइन 2x², फिर बच्चों 2 ऐसा ही रहेगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो आंसर क्या आ गया 4x साइन 2x², 4x साइन 2x², समझ में आ रहा है, 2 2 जा 4, 4x साइन 2x² बच्चों। इसी के साथ अपना ये वीडियो खत्म, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, काफी लंबा वीडियो हो गया बच्चों। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कुछ भी कुछ सिली मिस्टेक हुआ रहेगा तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उसको मैं पिन कर दूंगा बच्चों। वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ऑफ कोर्स ऑफलाइन टीचिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है बट ऑनलाइन टीचिंग रिविजन के लिए हेल्पफुल होता है, और ऐसे बच्चे जहां पे ऑफलाइन टीचिंग का कुछ भी सुविधा नहीं है वहां तक ये वीडियो को पहुंचाओ और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।